हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा शॉर्ट ऐप को यूज करके अपनी वीडियो को कैसे एडिट करते हैं। चाहे आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं या फिर आप अदर प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम के रील्स को बनाना चाहते हैं या फिर आप फेसबुक के वीडियो को एडिट करना चाहते हैं और स्पेशली आप यूट्यूब के वीडियो के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस ऐप में वीडियो एडिटिंग करने के लिए सारे फीचर्स मिल जाते हैं। चाहे फिर आप अपनी वीडियो को कहीं पर से कट करना हो, वीडियो में म्यूजिक को ऐड करना हो, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिटेल में कैसे सारे फीचर्स को यूज करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा सारे फीचर्स यूज करके आप अपनी वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं। या फिर आप बिगनर्स हो तो ये बहुत ही आसानी ऐप है जिससे आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही नॉलेजबल है तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो हम इसे डाउनलोड कर रखे थे, हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है और इसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फोटो को एडिटिंग कर सकते हो और कॉलेज फोटो कर सकते हो। तो हम इसमें हम वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं तो वीडियो वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ से नए वीडियो एक ले लेते हैं जिस वीडियो को हमें एडिट करना है। तो हम इसमें से कोई एक वीडियो को ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। तो सो फ्रेंड्स, पहला नंबर पे आता है हमारे को इसमें रेशियो सिलेक्ट करने के लिए, किस साइज में हमें वीडियो को एडिट करना है। इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाना है या फिर यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है, किसी भी तरीके का आप इसमें सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद इसको आगे पीछे करके थोड़ा बहुत बढ़ा के देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देते। दूसरे नंबर पर आता है हमारा म्यूजिक को ऐड करने के लिए। तो हम इसमें बहुत सारे म्यूजिक मिल जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ट्रैक देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रैक्स रहते हैं, पहले ही अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों, आप अपने गैलरी में से भी म्यूजिक को ऐड कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों, इसमें इफेक्ट का भी ऑप्शन आ जाता है। तो इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट है इसके अंदर, जैसे गेम्स का हो गया, किसी भी तरह का इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारा तीसरे नंबर पर आता है स्टिकर्स का। तो इसमें स्टिकर्स को ऐड कर सकते हो, लाइक शेयर का, जैसे सब्सक्राइब का, जैसे इस तरीके का स्टिकर्स आ जाता है। तो इस तरह का आप ऐड कर सकते हो। तो हम इसे अभी ऐड नहीं करेंगे तो इसको हटा देते हैं। उसके बाद हम दोस्तों इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसमें से इमोजी भी आ जाता है, इमोजी भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो आप इसमें से। उसके बाद दोस्तों, आता है टैक्स का। तो हम इसमें टैक्स को ऐड करना चाहते हैं तो टैक्स लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों, टैक्स को ऐड करने के बाद आप इसमें से कलर का चेंज कर सकते हो, इसका जोन से कलर आप रखना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे मिल जाएगा बैकग्राउंड का, इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। बहुत अच्छा अच्छा बैकग्राउंड मिल जाते हैं। तो आप जिस भी तरीके का आपको जैसा भी अच्छा लगे उस तरीके का ऐड कर लेना। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ से इसका फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जिस तरीके से फॉन्ट्स को चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों, आप इसको यहाँ से सेट करके यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों, हमारे नंबर फिल्टर्स का ऑप्शन आ जाता है। तो हम इसमें फिल्टर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे कि पहला नंबर पे आता है इफेक्ट। तो हम इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हम इफेक्ट बहुत सारे आ जाते हैं। यहाँ से हम पहले इफेक्ट चला के आपको दिखा देते हैं। उसके बाद दोस्तों, दूसरा है इस तरीके का, देख सकते हो। मतलब आप बहुत ही अच्छा अच्छा इफेक्ट्स इसमें यूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आता है बीट का। तो आप यहाँ से बीट्स को भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है रेटो। इसके बाद इसमें से कोई सा भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, स्टाइल का आता है। आप जिस भी तरीके का ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, ये हमारा हो गया। उसके बाद फिल्टर्स पे हम जाते हैं, फिल्टर्स को देख लेते हैं क्या कौन कौन सा फिल्टर्स है। तो इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा फिल्टर्स मिल जाएंगे, सारे फिल्टर्स आपको मिल जाते हैं।
उसके बाद दोस्तों आपको इसको यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे आ जाता है कटआउट का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप जिस भी पार्ट को आप अपनी वीडियो को कट आउट करना है तो कर सकते हो आसानी से। जैसे कि हमें इस वीडियो को यहाँ से कट करना है तो हमें यहाँ से जिसको कट करना है इसको ओके कर देंगे तो ये हमारा वीडियो वहाँ साइड साइड से कट जाएगा। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक कट का, तो आप जहाँ से थोड़ा थोड़ा कट करना चाहते हो वहाँ से ये कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको हटाना चाहते हो, अंडर करना चाहते हो, तो यहाँ से वो सारा इस वापस से आ जाएंगे जो आपने कट करी है। उसके बाद आता है स्लिप्ट, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप उसे यहाँ से कट कर सकते हो जहाँ से आप कट करना चाहते हो। यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद आता है स्लिप्ट, इसकी सेम प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे आता है डिलीट का ऑप्शन, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो जिस पार्ट को आप हटाना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ आता है बैकग्राउंड्स, तो हम इसमें बैकग्राउंड्स जिस भी बैकग्राउंड्स को ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि देख सकते हो आप हम अपनी वीडियो को कैसे सेट करना है जैसे, और नीचे भी बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप आसानी से इसे देख सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों आता है स्पीड का, वीडियो का स्पीड बढ़ाना चाहते हो अगर या नहीं बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। इसके बाद दोस्तों आता है क्रॉप का ऑप्शन, तो आप यहां से अपने वीडियो का क्रॉप कर सकते हो, जिस भी पार्ट को आप हटाना चाहते हो तो यहां से उसे हटा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है वॉल्यूम का, तो यहां से आप वॉल्यूम अपनी वीडियो की आवाज़ को कम बेस कर सकते हो, जिस भी जितना भी रखना चाहते हो तो कर सकते हो रख के, यहां से इसको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आता है यहां से डुप्लीकेट का ऑप्शन, तो यहाँ से यह डुप्लीकेट एक ऐड हो जाएगा जिससे आप डुप्लीकेट ऐड हो जाता है अगर आप ऐड करना चाहे तो, अगर उसे हटाना चाहते हो तो यहाँ से इसे इस पर क्लिक करके हटा सकते हो। इसके बाद दोस्तों आता है हमारे इसमें रिवर्स का ऑप्शन, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो जिस भी पार्ट को हमें रिवर्स करना है तो रिवर्स चलने लगेगा, उल्टा चलने लगता है, तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, रिवर्स हमें नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों हमारा यह चौथे नंबर ये आता है फ्लिप का ऑप्शन, तो हम आप अपनी वीडियो का रोटेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो आप करना चाहते हो तो। उसके बाद दोस्तों आता है रोटेट, आप यहाँ जैसे भी नचाना चाहते हो आप अपनी वीडियो को नचा सकते हो, तो हम इसमें नहीं नचाएंगे। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से आसानी से वीडियो एडिटिंग हो जाएगा। और अदरवाइज आप अपनी गैलरी में से कुछ फ़ोटो को ऐड इसमें करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हो। जैसे हम इसमें से कोई एक फ़ोटोज़ को ले लेते हैं, जैसे ये फ़ोटो ले लिया, उसके बाद दोस्तों हम इसको यहाँ से हटाना चाहेंगे तो हट जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से ऑप्शन आ जाता है सेव का, तो हम सेव पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से अपना रेशो सिलेक्ट करके आप इसे यहाँ से सेव कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये सेव होने लग जाएगा, तो ये आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों। और आप कह रहे होंगे कि इसमें वाटर मार्क आता है तो ये वाटर मार्क को कैसे हटाना होता है, तो सो फ्रेंड्स अगर आप ये इसमें एक ऐड आएगा वो ऐड आप देख लोगे तो वो वाटर मार्क ही नहीं आएगा आपकी वीडियो पर। सो फ्रेंड्स जिससे ऐसे आ जाता है ये एक ऐड आ जाएगा, और उसके बाद वो वीडियो पे ऐड आने के बाद आपकी वीडियो में कोई वाटर मार्क वगैरह नहीं आएगा। और आप यहाँ से YouTube पे, Instagram पे, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा है और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जो अगले वीडियो में आपकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।